नमस्कार, मैं आरती यादव। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी हाल फिलहाल में आपके दो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, एक पैरामेडिकल बैचलर के लिए, साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग के लिए। बीएससी नर्सिंग में तो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस काफ़ी दिनों से चल रही है, उसका फर्स्ट राउंड कम्प्लीट भी हो चुका है, सेकेंड राउंड इस टाइम चल रहा है। सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, अब आपका एलआउट मेल लेटर आएगा आज। क्या देखते हैं अलाउड मेल लेटर आपका आया या नहीं आया, कब तक आ जाएगा। साथ ही साथ जब अलाउड मेल लेटर आपका आ जाएगा तो आपको कब तक कॉलेज में जाके एडमिशन करा लेना है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई किए हुए थे उनकी भी काउंसलिंग की डेट आ चुकी है, कब से काउंसलिंग है, कब तक आपको एडमिशन करा लेना है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे की अपडेट लगातार मिलती रहे, वो भी सटीक जानकारी के साथ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट CPET फॉर एडमिशन एंड पैरामेडिकल बैचलर एंड मास्टर कोर्स एकेडमिक सेशन 2023-24। जो आपके पैरामेडिकल बैचलर एंड मास्टर कोर्स का जो एग्ज़ाम आप दे के आए हुए हाल फिलहाल में, अभी उसके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई, यानी कि आपका शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया, कब से लेकर कब तक आपका काउंसलिंग चलेगा, फिर एडमिशन डेट आपकी आ गई है। तो आपको बहुत ही अच्छे से काम करना है, जिससे आपको आराम से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। जब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या कॉलेज फिलअप करने हैं तो बहुत ही ध्यान से आपको कॉलेज भरने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका कब से स्टार्ट है। तो ये स्टार्टिंग जो डेट इन्होंने दी है वो 21/7, यानी आप स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी पहली बात, और कब से लेकर कब तक, तो 21 तारीख को पहला राउंड आपका स्टार्ट हो जाएगा CPET के लिए, और ये कब तक चलेगा, तो 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। तो आपको अच्छे से रजिस्ट्रेशन करा लेना 31 तारीख से पहले, और उसके बाद जो आपकी चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 1 अगस्त तक इसकी चॉइस फिलिंग चलेगी। उसके बाद सीट जो आपको पता चल जाएगी कि किस कॉलेज में आपको कौन सी सीट मिली हुई है, क्योंकि यहाँ पर कई पैरामेडिकल कोर्स हैं, BMLT, BRIT, रेडियोथेरेपी, BPT, BOPTOM, इस प्रकार के कई यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्स हैं आपके। जो आप भरना चाहो वो पहले भर देना, जो सीट आप लेना चाहते हो जिस कॉलेज में वो कॉलेज आपको पहले भरना है, साथ ही साथ आपको सीट वो पहले भरनी है जो आपको लेनी है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पर जो आपको एडमिशन के लिए जाना होगा वो प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी, वो 4 तारीख से आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 4 तारीख से आपको अपना एडमिशन कराना है जाके, और वो भी कब से लेकर कब तक, तो 4 से स्टार्ट होगा और 11 तारीख तक आपका एडमिशन चलेगा कॉलेज में। आपको वहाँ जाके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाके एडमिशन कराना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अभी इस पर कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे। 21 तारीख से पहले आ जाएगी आपकी, ठीक है। कितनी सीटें क्या है अभी इस प्रकार का कोई डाटा आपका नहीं आया हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट आपकी मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग होगी 13 तारीख से, बची हुई जो भी सीट होंगी वो मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग में भर दी जाएंगी। उसके लिए भी इन्होंने अपना शेड्यूल जारी कर दिया, और आपकी जो एकेडमिक सेशन जो स्टार्ट हो जाएगा वो 16 अगस्त से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, आगे की जानकारी हम आपको बता देते हैं कि अभी तक आपका सीट मैट्रिक्स जारी नहीं किया गया है, जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजों में, वो सभी जानकारी आपको 21 तारीख से पहले पता चल जाएगी। तो इसके लिए आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे आगे की अपडेट कोई आए तो आपको मिलती जाए, वो भी सटीक जानकारी के साथ, ठीक है। अब बात कर लेते कि UPBSC नर्सिंग की जो सेकेंड काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हुई है, उसके लिए अलाउड मेल लेटर आपका आया या नहीं आया। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं अब CNET UPBSC नर्सिंग का जो सेकेंड राउंड ऑफ इस टाइम आपका चल रहा है, उसके लिए यहाँ पर आपकी सीट अलाउड मेल लेटर है वो आज आपको पता चल जाएगा। अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन 17/7/2023 आज आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कॉलेज में सीट मिली हुई है। तो आपको वहाँ जाके अपना एडमिशन करा लेना है। एडमिशन आपको कब से लेकर कब तक करना है, तो 18/7 यानी 18 तारीख से 18 जुलाई से आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा, और 24 जुलाई तक आपकी एडमिशन की प्रोसेस चलेगी फर्स्ट राउंड वालों के लिए,
एलआउट में लेटर आपका जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा। अभी वेबसाइट पर एलआउट में लेटर से संबंधित कोई सूचना नहीं है। कैसे चेक करना है, आपको अपनी DOB वहाँ भरनी है और साथ ही साथ अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और DOB जैसे ही आप डालेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपको अपना अलाउड में लेटर पता चल जाएगा। अभी तक तो नहीं आया, मैंने चेक करके देखा है, जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। पिछले राउंड में जो आपका आया हुआ था वो 9 बजे लगभग आया हुआ था, रात के 9 बजे, तो 9 बजे तक आप इंतजार करिएगा, लगभग 9 बजे से पहले आपको अलाउड में लेटर है वो देखने को मिल जाएगा। तो परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके लगेंगे वो हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में लेके जाने हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को कर लीजिएगा ज्वाइन, जिससे आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाए सेकेंड राउंड वालों के लिए। टेलीग्राम का नाम क्या है, तो बायोलॉजी विद्यार्थी, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे ज्वाइन कर ले और मिलते फिर नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।